हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू MB5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे MB5 चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, डायरी टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जी हां, एक यूनिक इंजीनियरिंग फील्ड मानी जाती है एंड मुझे लगता है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, राइट। डायरी टेक्नोलॉजी आपने पहली बार सुना होगा, तो इस सारा करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा डायरी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, किसका डेफिनेशन से लेकर कि क्या क्या इसके एडमिशन प्रोसेस है। इसमें भी आपको डिप्लोमा प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ओके, पीजी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा, हमारे विकास जी के द्वारा और हमारे अभिषेक सर जो हैं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट अपलोड्स करते रहेंगे दोस्तों, रिगार्डिंग स्कॉलरशिप हो गया या कोई कॉलेजेस हो गए, राइट। तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन। देखिए, डायरी टेक्नोलॉजी जो है इसमें आपको वेरियस टेक्निक से डील करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स दोस्तों। जी हाँ, डिफरेंट डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, उनको किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है या प्रोटेक्ट किया जाता है, अगर आप मुझे पूछेंगे, हार्मफुल टॉक्सिन से, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम ना हो जाए, तो सारे चीज़ों का टेक्निक जो है इस डायरी टेक्नोलॉजी में आपको सिखाया जाता है दोस्तों। ओके, और जो कोई व्यक्ति यहाँ पे काम करता है मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने में, हार्मफुल टॉक्सिन को निकालने में, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायरी टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है और इज़ वन ऑफ द मोस्ट एमर्जिंग करियर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग माना जाता है दोस्तों, विच डील्स मेनली विद द ओवरऑल प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट से ही ज़्यादातर डील करते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग लाइन में आपको कहा था कि एक यूनिक इंजीनियरिंग फील्ड आपको देखने को मिलेगी। सो कोर्सेज एंड ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज हैं आपको, डिप्लोमा इन डायरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फूड एंड डायरी टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर एडवांस डिप्लोमा इन डायरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं इसमें, बीटेक इन डायरी टेक्नोलॉजी, बीई इन डायरी टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जैसे कि डायरी माइक्रोबायोलॉजी, डायरी इंजीनियरिंग, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, एनिमल न्यूट्रिशन हो गया, राइट, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स में आप कर सकते हैं। तरह तरह के ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड रही बात इसकी स्पेशलाइजेशंस की दोस्तों, जी हाँ, कौन से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप जो है ग्रेजुएट अंडर जो पोस्ट ग्रेजुएट है स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं, जैसे डायरी केमिस्ट्री, डायरी इंजीनियरिंग, डायरी इकोनॉमिक्स, ओके, डायरी माइक्रोबायोलॉजी, डायरी कैटल फिजियोलॉजी और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तरह तरह के स्पेशलाइजेशन हैं जहाँ पे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड मेन बात यहाँ पे आती है कि इसका एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे जो जैसा मैंने कहा कि एक इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे बायोलॉजी काम नहीं आएगा, मैथमेटिक्स यहाँ पे काम आएगा। और यहाँ पे आपको 10+2 का जो स्कोर है वो मिनिमम 50% मार्क्स आपको रख के आगे बढ़ना होगा दोस्तों, ठीक है, तभी जाके आप जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ICAR के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों, ठीक है, सो नेशनल लेवल में। और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं और कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम लिख के सीट्स लेके आ सकते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन ICAR लिखाता है, ये IEEE का, उसका WBJEE जो वेस्ट बंगाल का है और बिहार का है, ऐसा सेपरेट सेपरेट स्टेट अपने एग्ज़ाम्स लिखाते आते हैं। एंड रही बात अभी टॉप कॉलेजेस की, टॉप कॉलेजेस देखिए, यहाँ पे नेशनल डायरी इंस्टीट्यूट है करनाल में, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है त्रिशूर में, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है रायपुर में, और आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद, ये टॉप कॉलेजेस की बात बोल रहा हूँ मैं जो इस एजुकेशन को आपको ऑफर करते हैं, जहाँ पे आप एग्ज़ाम क्रैक करके सीट्स पा सकते हैं दोस्तों। एंड मेन बात जॉब्स एंड करियर की, जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा आपको, एक एमर्जिंग इंडस्ट्री है, एक एमर्जिंग इंजीनियरिंग फील्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको स्किल्ड प्रोफेशनल बहुत ही डिमांड में मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही डिमांड आपको रहेगा यहाँ पे। जैसे आप 4 साल अपना डिग्री कंप्लीट कोर्स करते हैं, चाहे तो आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी जा सकते हैं या फिर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं विद द स्मॉल स्केल मिल्क प्लांट्स, आइसक्रीम यूनिट्स, क्रीमरी में, ओके, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज जो आपको इन ग्रेजुएट्स को हायर कर रहे हैं अभी, जैसे कि अमूल हो गया दोस्तों,
मदर डायरी, नेस्ले, वाडीलाल, रिलायंस वाले, मेट्रो डायरी, ओके, आईटीसी, बहुत बड़ी कंपनी है आईटीसी, आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा इनका, राइट, हिंस, ओके, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो तरह तरह के ऐसे कंपनीज हैं जो टाइम टू टाइम इनको हायर करते आ रहे हैं दोस्तों, हाईली डिमांडेड है। तो डोंट वरी, अगर आप डायरी टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो बेझिझक आप आगे बढ़िए। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें, किस जॉब प्रोफाइल्स में आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे डायरी टेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन की तरह, थियोलॉजियंस की तरह, या फिर डायरी साइंटिस्ट की तरह, या फिर डायरी मेडिकल ऑफिसर हो गया, तरह तरह के जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस से, आपके स्पेशलाइजेशन से, जिस तरह आपने परस्यू किया उसके हिसाब से आप यहाँ पे फिट हो सकते हैं दोस्तों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी पैकेज की बात करें, देखिए यहाँ पे डायरी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को बहुत ही अच्छा पैकेज दिया जा रहा है इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोस्तों। इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है फ्रेशर की 15,000 to 25,000 पर मंथ होती है। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा एक साल दो साल, तो आप यू कैन अर्न अप टू 60,000 पर मंथ, ओके। तो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ डायरी टेक्नोलॉजी, जो कि वन ऑफ द यूनिक फील्ड मुझे लगता है, इसलिए मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या क्या ड्यूरेशंस हैं, क्या क्या इसके एडमिशन प्रोसेस हैं, क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं, क्या इसकी सैलरी है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।